हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद एक नया व्लॉग आ रहा है। बहुत दिन से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, कोई रील अपलोड नहीं की, कुछ नहीं किया, कहीं गई नहीं घूमने, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर ना अभी बारिश का जो सीज़न चल रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है और कहीं निकलने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि कहीं भी जाओ और बारिश शुरू हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज़ होती है। तो इसीलिए ना हम अवॉइड करते हैं। बच्चे के साथ आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है, थोड़ा सा भी हवा लगने से, बारिश लगने से बीमार हो जाते हैं। अभी आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा कि मुझे फिर से कोल्ड हुआ है, क्योंकि यही मौसम ऐसा होता जा रहा है ना कि बार बार तबीयत ख़राब हो रही है। तो उस वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना वीडियो बनाने का, ना कुछ करने का। बट बहुत टाइम के बाद निकली तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करती हूँ। अभी हम लोग घर से बाहर निकले थे और देखो रास्ते में आज मुझे कितना ट्रैफिक देखने के लिए मिला। नॉर्मली यहाँ ट्रैफिक नहीं होता है, बट आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। गाइज़, हुआ ये कि हम लोग जा रहे थे और ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। उस ट्रैफिक में हमें सडनली फील हुआ कि हमारी जो गाड़ी का टायर है ना, वो या तो लूज़ हुआ है या पंचर हुआ है कुछ, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा ना डिसबैलेंस हो रही थी और कुछ साउंड दे रही थी। तो हमें लगा कि हमें गाड़ी को एक बार चेक कराना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं ऑटो रिपेयर में। जस्ट सी दिस, यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड गए हैं देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है। डोंट नो यहाँ पर कैसे हेल्प की जाती है, क्या की जाती है, कैसे ऑटो रिपेयर का वर्क होता है। उसने बोला है कि उनसे चेक करो, तो मेरे हस्बैंड इधर जा रहे हैं देखने के लिए, होपफुली ठीक हो जाए। फिर बाद में मुझे ऐसा भी फील हुआ कि वो ना गाड़ी का, मतलब रास्ते का प्रॉब्लम था, वो कुछ गाड़ी का कुछ नहीं था। लेट्स सी क्या होता है एक बार। फिर भी मुझे लगा क्योंकि लॉन्ग जर्नी और बच्चा है साथ में और यहाँ पर हाईवे है, तो हाईवे पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी को एक बार चेक कराने चाहिए। तो इसलिए हम लोग रुक गए। और पीछे देखो कैसे मैस फैला के ये लड़की रखती है पूरा टाइम, और वो सो गई है। एक्चुअली रास्ते में उसको कुछ देखना है, उसके लिए मैंने उसको बोला सो जा तभी तुझे दिखेगा, तो वो बहुत मुश्किल से उसको सुलाया है, फाइनली सो गई। अब देखते हैं कि ऑटो रिपेयर का क्या काम होता है, क्या यहाँ पर रिपेयर किया जाता है और कुछ होपफुली कुछ प्रॉब्लम ना हो। गाइस, ये आई है चेक करने के लिए, उसने गाड़ी के अंदर चेक किया था, अभी वो जा रही है देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो मे बी वही चेक करेगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस हो गया, उन लोगों ने चेक कर लिया और कोई भी इशू नहीं है, कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो हाईवे जो है बहुत डेंजर है, मतलब रोड अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस फाइनली अब हम लोग अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात कि उन लोगों ने कुछ चार्ज भी नहीं किया, हमने उनसे पूछा कि हमें कुछ पे करना है, बट दे सेड नो। फाइनली अब हम लोग ना अपनी डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट पास है, यहाँ से और 11 माइल्स है। और जो पूरा ये रास्ता है ना, ये पूरा जंगल का रास्ता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ना वो जो एक होता है ना पहाड़ों के पास छोटे छोटे घर, वो बहुत देखने के लिए मिल रहे हैं कि साइड में आप देखो इधर पूरे पहाड़ हैं और लोगों ने ना अपने इस तरीके के छोटे छोटे घर यहाँ पर बना रखे हैं। मतलब कुछ लोगों को पसंद होता है ना कि शांति में रहना, भीड़ भाड़ में नहीं रहना, तो ये एरिया कुछ इस जैसा। और ये देखो बारिश शुरू हो गई है, वो चलाओ वाइपर। बारिश ने ना हम लोगों को बहुत ही परेशान किया हुआ है, परेशान हो गए, कहीं नहीं निकल पाते। आज मौसम अच्छा था लेकिन फिर भी फिर से बारिश शुरू हो गई। और ये रही हमारी टिंगू मिंगू। हाय बेबी, नीनू पूरा हो गया? ओके गुड। और देखो उसका काजल। ये देखो गाइस, लोगों ने अपने घर इस तरह बना रखे हैं, शांत से एरिया में रह रहे हैं। और ये जो एरिया जो फील हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से फील हो रहा है जो खेती वाले एरिया होते हैं। क्योंकि पीछे एक फार्म दिखा था स्ट्रॉबेरी का, और उसके बाद एक दिखा था वाइन यार्ड जहाँ पर पूरा ग्रेप्स का वो था। तो मुझे लग रहा है ये जो एरिया है ये पूरा खेती से रिलेटेड एरिया है, इसीलिए इतना शांत है, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ ना कुछ। लेकिन यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जब इंसान को कोई सामान लेना हो, कुछ जरूरत का सामान, तो कितना ज्यादा दूर जाना पड़ता है। वही सोच के पूरा वही रास्ता देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। जस्ट सी, ऐसे रास्ते ना बड़े अच्छे लगते हैं जब हम पहली बार आते हैं ना, मतलब पहली बार या वन टाइम आते हैं या एक दो बार आते हैं घूमने के लिए, अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे वही लगता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग कितना इन चीज़ों को लेकर सफ़र करते होंगे। सामने पहाड़, बिल्कुल पहाड़ पहुँच ही गए। ये देखो बिल्कुल सामने हम पहाड़ के हैं, ये रहा पूरा पहाड़। और अच्छा, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर,
ये है हनुमान जी का मंदिर, संकट मोचन हनुमान टेम्पल, और बहुत फेमस टेम्पल है ये यहाँ का। बोलते हैं अगर कैलिफोर्निया में हो तो मस्ट विजिट दिस प्लेस, ऐसा बोला जाता है। इतनी मान्यता है इस मंदिर की यहाँ पर, और इतना इजी नहीं होता। ये देखो फिर मुझे वो दिखा, क्या है ये? ग्रेप्स के, राइट। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, इतना इजी नहीं होता यहाँ पर। ये मंदिर जो है सिर्फ दो दिन खुलता है, सैटरडे और ट्यूसडे को, क्योंकि हनुमान जी का पूजा दो ही दिन होता है, सैटरडे एंड ट्यूसडे, और उन दो दिनों में ये मंदिर खुला जाता है। और उसमें भी ना ये आपको बुकिंग के थ्रू आना पड़ता है, यानी कि आपको पहले बुकिंग लेनी होगी प्री बुकिंग पार्किंग के लिए, तभी आप मंदिर आ सकते हो। अगर आपको बुकिंग नहीं मिली तो आप यहाँ कर आकर कोई फायदा नहीं है। तो इनकी एक वेबसाइट होती है, वो मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी, वीडियो एंड में मैं आपको सारी डिटेल इसकी दे दूंगी, कैसे आपको बुक करना है, क्या करना है। अभी देखते हैं यहाँ पर। जस्ट सी, ये पूरा रास्ता है, हाँ, और ये पूरा जंगल है। और मैंने ना कुछ और वीडियोस भी देखी जिसमें मैंने देखा कि रास्ते में ना कुछ हिरन देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे पीछे जो लड़की बैठी है ना, तब से उसने, जब से वो कार में बैठी है, मेरा दिमाग खराब कर, मम्मा डियर कहाँ है, डियर कहाँ है, मुझे आई वॉन्ट टू सी डियर। होपफुली इसको दिख जाए, वरना आज मैं तो गई, क्योंकि मैं उसको यही बोल के लेकर आई हूँ, होपफुली हमें दिखे। अभी हम लोग इंजॉय करते हैं रास्ते को, और अब मैं सीधा आपको मिलती हूँ मंदिर में। अगर उससे पहले डियर मिले तो डियर भी दिखाऊंगी, अदरवाइज सीधा मैं मिलती हूँ आपसे मंदिर में। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और वही हुआ जिसका डर था, मुझे कहीं पर भी डियर नहीं मिले, और इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया था, डियर देखना है, फिर किसी तरह इसको डाइवर्ट किया, मंदिर पहुंच के बहुत खुश हो गई थी। ये थी वहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे मंदिर के लिए। बहुत ही छोटा सा मंदिर है, ना ज़्यादा रश है ना कुछ है, और मंदिर जो है उसका नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये मंदिर US के कैलिफोर्निया के माउंट मडोना में पड़ता है, और इसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए कार पार्किंग की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ना लिमिटेड कार पार्किंग ही होती है। अगर आपको कार पार्किंग मिलेगी तो ही आप यहाँ पर आ सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते हो, क्योंकि कार पार्किंग के लिए जगह नहीं होगी तो आप अंदर दर्शन के लिए भी नहीं जा पाओगे। इसीलिए बहुत ही लिमिटेड लोग यहाँ पर होते हैं, ज़्यादा रश देखने के लिए नहीं मिलता है। जितना प्लेस आप यहाँ पर देख रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, उतने ही लोग आएंगे, क्योंकि जितने लोगों की बुकिंग अलाउ हुई होगी उतने ही लोग यहाँ पर एक टाइम पर आ सकते हैं, इसीलिए सब लोग दर्शन बहुत अच्छे से करते हैं। और ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर 11 अप्रैल 2003 को श्री बाबा हरिदास के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हर देवी देवता को पूजने से पहले सबसे पहले जो पूजा होती है वो होती है गणपति बप्पा की, तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था गणपति बप्पा का, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको क्यों ना उन्हीं के दर्शन कराए जाए। और साथ में ना यहाँ बहुत ही सुंदर सा ये फाउंटेन था जिसमें कुछ देवी देवताएं रखे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कौन है क्या है। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आई थी यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन करने और आप लोगों को गणपति बप्पा के दर्शन कराने, तो यहाँ पर हो गए थे गणपति बप्पा के दर्शन। उसके बाद अब चलते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए, तो और ये है हनुमान जी के दर्शन। हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद, हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठा जाए, क्योंकि पता चला था कि जो अब आरती है वो 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली है, तो हमने सोचा 1 घंटा यहाँ पर बैठते हैं और फिर आरती कर ही निकलेंगे। तो वहाँ बैठ कर धीरे धीरे पता चल रहा था मंदिर के बारे में कि मंदिर में और क्या क्या है, तभी पता चला कि यहाँ पर ना आप अपनी कोई भी विश को लिख कर हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही मेरे हस्बैंड कर रहे थे, उन्होंने अपनी विश को लिख कर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। उसके बाद पता चला कि यहाँ पर ना लोग मन्नत मांगने के लिए और मन्नत पूरा होने के बाद 108 प्रदक्षिणा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जब वो आए हैं इतना दूर तो क्यों ना वो भी ये कर ले, और उतने ही टाइम पे ये लड़की देखो फिर से प्रसाद लेकर आ गई। उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी प्रसाद वाले अंकल के साथ, वो बार बार जा रही थी और कुछ कुछ लेकर आ रही थी और खा रही थी। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर पूरे 108 प्रदक्षिणा कर रहे थे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना वैसे वैसे कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा था, ठंड जो है वो पूरी तरह बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि सामने दिखना ही बंद हो गया, और हम लोग लिटरली स्वेटर वगैरह ढंग से नहीं लेकर आए थे, स्पेशली मैं सूट में ही आई थी, थैंक गॉड कि मैं गर्म सूट में थी। और दूसरी अच्छी बात ये थी ना कि यहाँ पर पता रहता है कि लोग, हो सकता है कि ज़्यादा
स्वेटर वगैरह ना पहन कर आए तो इन लोगों ने ना पूरा बैकअप रखा होता, सबको ब्लैंकेट दिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बैठने के लिए ना जितने लोग वहाँ पर थे सबको उन लोगों ने एक एक ब्लैंकेट दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक एक किताब दी जिसमें हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती और जितने पाठ यहाँ पर होते हैं ना हनुमान जी के आरती के बाद वो सब थे। यहाँ पर दो छोटी छोटी प्यारी सी लड़कियाँ थी, वो हमारे साथ साथ गा रही थी, मतलब वो गा रही थी और हम उनको रिपीट कर रहे थे। हनुमान जी का जो पूरा पाठ था, आरती था, वो था। पंडित जी ने आरती शुरू कर दी थी, सबसे पहले पंडित जी ने गणपति बप्पा की आरती की और उसके बाद हनुमान जी की आरती की। हम लोगों ने भी पूरा पूरा उसमें सहयोग किया वहाँ बैठकर, और फिर उसके बाद शुरू हुआ सारे पाठ ख़त्म होने के बाद हनुमान चालीसा, जिसका हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। हनुमान चालीसा में बैठे और इतना सुकून मिला ना, इतने सारे लोग बैठकर जब वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को बहुत ही शांति मिल रही थी, बहुत ही सुकून मिल रहा था। हम लोगों ने बैठकर पूरा पाठ किया और इसके बाद भी शायद एक चीज़ था, लेकिन ठंड जो थी वो बढ़ती जा रही थी और बाहर जो था कोहरा बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, कुछ दिखना बंद हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम लोग निकलते हैं। तो अभी बहुत लोग बैठे हुए थे लेकिन हम लोग वहाँ से स्टार्ट हो गए, छोटा बच्चा था और ऐसे रास्ते में हमें ड्राइव करके जाना था, तो हम लोग वहाँ से हनुमान चालीसा ख़त्म होने के बाद निकल गए थे। स्पेशली मेरी हालत हो रही है ख़राब क्योंकि मैं जस्ट सूट में आई थी, कोई जैकेट नहीं कुछ नहीं, अब फटाफट से बैठता गाड़ी में और लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, ये हार्डली हमें लेगा 1.5 घंटे का रास्ता। चलो तो गाइस बैठ गए हम गाड़ी में और गाड़ी में बैठते ही थैंक गॉड कि मेरे पास स्वेटर था, मैंने स्वेटर पहन लिया और आते ही हमने हीटर ऑन किया हुआ है गाड़ी का, ये देखो सीट्स के हीटर्स ऑन है हमारे और हीटर भी हमारा 84 पे है, चल रहा है। तो पहले थोड़ा सा गाड़ी को करते हैं हीट अपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और फिर निकलते हैं यहाँ से। सबसे मेन चीज़ कि नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि हम घर कैसे जाएंगे, मेरे हिसाब से तो रास्ता सीधा है तो अभी हमें सीधे सीधे निकल लेना चाहिए और आगे देखेंगे, लेकिन सामने कुछ दिखना भी तो चाहिए, सबसे बड़ा टेंशन। गाड़ी बहुत हिसाब से किसी को निकलने दो, नहीं किसी को, गाड़ियाँ चल रही है पीछे पीछे निकलो, गाड़ी बहुत आराम से चलाना ठीक है, क्योंकि रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। तो निकलते हैं हम घर की तरफ, तुम्हें दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं बहुत डरती हूँ तो इसीलिए। हाँ तो चलो निकलते हैं अब घर की तरफ। घर की तरफ तो क्या, अब रास्ते में भी रुकेंगे क्योंकि डिनर हम लोग करते हुए ही जाएंगे, देखते हैं कहाँ रुकते हैं क्या करते हैं, पहले इस जंगल से बाहर निकलते हैं। यस बेबी We are going home. Let's go. What you will make in home for eating? What you want to eat? I want to eat. खा लूँ ये मिठाई? Yes. कहाँ से जाना है? आलू भात. Okay, I'll prepare the aloo rice. Okay? Let's go. Guys, जाते हुए देखो ये रास्ता कैसा लग रहा है भाई, मेरी तो हालत हो रही है खराब इस रास्ते में देख देख के। वो जो मूवीज में हम लोग देखते थे ना वो भूत वाले रास्ते, सेम वैसी फीलिंग आ रही है। वैसे हम भगवान जी के पास आए थे, हनुमान जी के पास, बस रास्ता हमें वैसी फीलिंग दे रहा है जाते जाते, और बहुत ही डेंजर रास्ता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, लिटरली इतना फॉग है और गाड़ी भी हम लोग बहुत धीरे चला रहे हैं। होपफुली बस अच्छे से सही से पहुँचे, आगे से एक गाड़ी आ रही है। राइट साइड में देख तू ये लाइन कितना आगे है ये बता, बिल्कुल पास है। सब लोग धीरे धीरे ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत धीरे है, बस हम लोग निकलते हैं। हम लोग पहुंच गए थे पास के एक इंडियन रेस्टोरेंट में और यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाया जाए क्योंकि अब घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी और घर पहुंचने में 10 बजना था, तो सोचा कि डिनर करते हुए ही निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा राइस, कढ़ाई पनीर और साथ में हमने ऑनियन कुलचे मंगाए। खाना जो था बहुत ही यम्मी था, बहुत अच्छा हम लोगों को लगा और मंदिर जाकर हम लोगों को तो भाई बहुत सुकून मिला और बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आऊं, इस तरह से गायब ना रहूं। जल्दी ही मिलूंगी मैं अब अगले व्लॉग में। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।